रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही टेस्टी से जो है, यूनिक से जो है, स्नैक्स हैं उनकी रेसिपी। बहुत मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल जो है वो नए तरीके से, और यकीनन आपने इस तरह के स्नैक्स पहले तैयार नहीं किए होंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार से टिक्के हम कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास जो है वो दो अदद जो है वो मटन हार्ड है, गोट हार्ड, बकरे के दिल, ये दो है मेरे पास। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा हमने काट लिया है। तो यहाँ हमने जो है वो कुकर ले लिया है। तो अब जो अपने हमारे मटन हार्ड है वो कुकर में डालेंगे। अब एक छोटा जो है वो प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में नमक डालेंगे। इसके बाद जाएगा साबुत ज़ीरा हाफ चम्मच और तकरीबन हम दो गिलास, दो कप इसमें जो है वो पानी डालेंगे जिसमें ये आसानी के साथ जो है वो गल जाए। कुकर की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे गलने तक जो है वो तकरीबन हम इसे 15 मिनट के लिए गलाएंगे। यहाँ जिसमें भी आप देचके में कर रहे हैं तब भी, लेकिन कुकर में कर रहे हैं तब भी, तब तक हमने इसे गलाना है जब तक ये अच्छी तरह गल जाए। सीटी आने के बाद हम इसे गलने तक पकाएंगे। तकरीबन जो है 20 मिनट हमने प्रेशर दिया है तो 20 मिनट खोलते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी तरह ये ड्राई हो चुका है। तो अभी दोबारा से हम इसे अच्छी तरह ड्राई करके पकाएंगे। अच्छी तरह ड्राई करेंगे इसे पकाकर। ये अच्छी तरह जो है वो, ये देखिए ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसे यहाँ निकाल लेंगे। और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं तो अभी हम इसमें डालेंगे एक अदद अंडा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। बहुत सारे इसमें स्पाइसेस, आपको पता है कि हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के तो इसको हमने पकाया है। तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा पाउडर।
और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर, एक चम्मच पेपरिका पाउडर कलर के लिए हम डालेंगे, और एक टेबलस्पून बेसन। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इस पर कोटिंग नहीं करनी, बस इतना हमने बेसन डालना है कि जो इसके स्पाइसेस हैं वो इसके साथ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, इससे नीचे ना जो है वो निकले। तो यहाँ ये हो चुका है मिक्स, तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये टूथपिक जो है वो छोटी छोटी ले ली हैं, तो एक पीस जो है वो इस तरह हम लेंगे, इस तरह टूथपिक में रो का जो है वो एक प्लेट में रखते जाएंगे। सबको हमने टूथपिक में कर लिया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे है ये सफ़ेद तिल, तो ये हम थोड़े थोड़े उसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। अभी एक जो है वो इस तरह उठाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक पीस हम इसमें डालते जाएंगे। यहाँ माशाल्लाह जी सारे ही हमने डाल दिए हैं, अच्छा सा क्रिस्पी और होने तक और गोल्डन सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। जब एक साइड से थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो हम दूसरी साइड से इनको पलट लेंगे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तभी हम इनको टर्न कर लेंगे। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इनको आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी लुक जो है वो। आइए इसको अभी हम निकाल लेंगे।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली आप देखें बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारे क्रिस्पी से हमारे जो है वो हॉट टिक्के जो है वो हॉट स्नैक्स रेडी हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लुक इनकी, और ये जो हमने वाइट जो है वो तिल इस पे लगाए हैं, बहुत खूबसूरत लुक इसको दे रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा टच भी इसको देंगे, देखने में बहुत खूबसूरत है। तो आप इसे केचप के साथ या पुदीने की हरी चटनी के साथ इंजॉय करें, चाय के साथ आप जो है वो सर्व करें, जैसे चाहें इंजॉय करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।